हेलो वेलकम बैक टू दिस फिजिक्स लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इट्स अबाउट टॉर्क ऑन अ अ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉर्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच आर इक्वली स्पेस्ड एंड टू विच अदर ठीक है तो so, इसलिए हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इक्वली स्पेस्ड और एक दूसरे के पैरल होती थी सो दिस वर दिसडेड टू बी दैट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ आ रहा होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है मीन्स ये वर्ट इट इज सपोज इट इज द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं वही क्या हो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस तरफ चल रहा है टुवर्ड राइट यहाँ पे किस तरफ चल रहा है टुवर्ड राइट टू राइट टू राइट टूवर्ड्स राइट ठीक है तो ये पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है ठीक है तो इसलिए हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जिसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन की इक्वली स्पेस्ड एंड पालर लाइन से आपने रिप्रेजेंटेशन किया ठीक है दूसरा टॉर्क टॉर्क क्या होता है ऐसी फोर्स जो रोटेशन करती है जैसे आपने बोतल का कैप जो है वो उतारना है ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको रोटेट करना है आप पुश और पुल नहीं करोगे ठीक है तो इसलिए उसमें क्या करना आपने रोटेशन जब आपने स्क्रू को लूज या टाइट करना है तो उस स्क्रू को लूज और टाइट करने के लिए पुश और पुल नहीं करते उसको रोटेट करते हैं ठीक है तो रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको टॉर्क कहते हैं ठीक है सो सुदास वी आर गोइंग टू लुक ओवर है कि अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा ठीक है सो फॉर दिस सेक ऑफ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू सपोज मेरे पास है ये एक डायपोल तो यहां पर ये सपोज किया मैंने दिस इज दैट नेगेटिव चार्ज ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज यहां पर है ठीक है एंड दिस इज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो ये एक एंगल के ऊपर रख रहा हूं मैं इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल के ऊपर ये प्लस क्यू ठीक है तो इसकी डायपोल मोमेंट किस तरफ होगी ये डायपोल मोमेंट इसके ऊपर की तरफ दिस इज डायपोल मोमेंट ठीक है तो ये इसकी पी वेक्टर डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ठीक है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है एक एंगल के ऊपर प्लेस्ड है रिमेंबर दिस वन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे हमारे पास राइट साइड को है तो ये क्या कर रही है एक एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पर ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थिट्टा बना रहा है ठीक है सो वी हैव टू रिमेंबर दिस वन कि ये जो एंगल है किसके बीच में बन रहा है इसे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बन रहा है, है. थिट्टा एंगल ठीक है सो ओवर हेयर आई एम गिविंग दिस वन नेम इसको मैंने ए आई एम गोइंग टू कॉल दिस वन एंड दिस पॉइंट इट इज बी ठीक है तो दोनों की सेपरेशन क्या है दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है सो इट इज टू एल ओवर हेयर ये टू एल है ठीक है सो नाउ स्टूडेंट ओवर हेयर इफ यू विल लुक हमने प्रीवियस टॉपिक में एक चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक uh, फील्ड है उसको आप डिफाइन करते थे फोर्स ऑन दैट चार्ज विच इज प्लेस इन दिस फील्ड तो इसलिए हमारे पास फोर्स कितनी होती थी क्यू ई से निकालते थे आप ठीक है अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है वो आप इस फार्मूले से लिखते थे नवजस्व चेक ओवर है ये चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ठीक है तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी लेफ्ट की तरफ लगेगी या राइट की तरफ लगेगी तो मैंने आपको एक बात बोली थी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि की, की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ चल रहा है अब पॉजिटिव चार्ज के रास्ते में ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया तो ये किस तरफ जाएगा लेफ्ट या राइट ठीक है इसने किस तरफ जाना है राइट right साइड जाना है ठीक है तो इस पर कितनी फोर्स लगी तो हमारे पास ये जो फोर्स लगी इसके ऊपर दैट इट इज एफ ठीक है लेकिन कितनी है ये क्यू ई उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाई क्यू ई लगाई ठीक है और अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर भी तो चार्ज उतना ही है जितना ये वाला था लेकिन ये क्या है नेगेटिव है नेगेटिव चार्ज को किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी इसका मतलब ये खींचेगी इसको टूअर्ड लेफ्ट ये इस तरफ जाएगी तब तो इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या इतनी लगी क्यू ई ठीक है लेकिन ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेगेटिव से हम शो कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हमारे पास ये यहां पर जो फोर्स है ए और पी के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम शो कर रहे हैं तो यू विल फाइंड ओवर देयर ये पुश ये पुल ठीक है पुश और पुल मतलब कि जितना कोई आपको धक्का दे रहा है उतना ही कोई दूसरा आपको खींच भी रहा है पीछे की तरफ ठीक है तो क्या आपने आगे की तरफ चलना है कि नहीं चलना ठीक है तो इसका मतलब हो गया आपका लीनियर मोमेंट तो होगी नहीं ठीक है तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे नेट लीनियर फोर्स मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ नेट लीनियर फोर्स मतलब कि लीनियर फोर्स किसको बोला गया एफ को बोला गया यही तो पुश और पुल कर रही है ठीक है तो इसलिए क्या आप आगे की तरफ डिस्प्लेस होंगे या नहीं होंगे तो अगर बात की गई नेट लीनियर फोर्स की तो वो क्या हो जाएगी नेट लीनियर फोर्स मान लो मैं लिख रहा हूँ एफ नेट से ठीक है सो इट वट वट इट विल बी तो फॉरवर्ड में फोर्स लग रही है क्यू ई और उतनी ही बैकवर्ड में फोर्स लग रही है तो डायरेक्शन आपको है क्यू ई तो नेट फोर्स क्या होगी मेरे पास जीरो इसका मतलब हो गया कि देर विल बी नो देअर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन इसका मतलब है आप आगे की तरफ नहीं चलोगे ठीक है तो इसलिए अलोंग स्ट्रेट बात आप नहीं चल सकते क्योंकि आपके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी ठीक है तो इसलिए देर विल बी नो ट्रांसलेशनल दैट मोशन ठीक है सो ओवर हेयर वी कम टू नो अगर एक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल के ऊपर रख दिया तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा जो uh, डायपोल है उसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा ठीक है लेकिन ये कौन सी फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड है ये यूनिफॉर्म ठीक है तो इसलिए उसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा लेकिन स्टूडेंट अगर अब हम बात करते हैं फिर तब इसमें क्या होगा अगर ट्रांसलेशन और मोशन नहीं है सो यू विल नोट ओवर देयर एक टॉपिक हमने पढ़ा था जैसे आप टैप को क्या करते हो दो जगह से होल्ड करते हो और वहां से क्या करते हो आप फोर्सेज लगाते हो एक थम से लगाते हो एक आप क्या करते हो इस फिंगर से लगाते हो ठीक है तो हमारे पास ये जो फोर्सेज हैं ये क्या होती हैं इक्वल होती हैं पैरेलल होती हैं सेम डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करती हैं ऐसे टैप को घुमाती है ना तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया था उस वक्त पेयर ऑफ फोर्स ठीक है तो वट इज हैपनिंग ओवर है पेयर ऑफ फोर्स इज एक्टिंग पेयर ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इज एक्टिंग सो हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड कॉमा पैरल And uh, having different line of action, different line of action, having different line of action of action. ठीक है तो जिस लाइन के अलॉन्ग ये एक्ट करती है वो डिफरेंट है एक यहां पर एक्ट कर रही है हमारे पास ऐसे और एक इस तरह से तो इसलिए लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ठीक है सो दिस पेयर ऑफ फोर्स व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दैट वन देन सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट वन एज दिस इज नोन एज कपल ठीक है तो इसलिए इसको क्या बोला गया है कपल बोला गया है सो वेन एवर कपल विल एक्ट कॉज विच कॉजिस रोटेशन तो ये क्या करती है रोटेशन कॉज करती है ठीक है तो रोटेशन आ, हमारे पास इसको आप टॉर्क भी बोलोगे और टॉर्क तो ये क्या करेगी टॉर्क को कॉज करेगी ठीक है तो इसलिए हमारे पास टॉर्क कैसे निकालते हैं हम टॉर्क ड्यू टू कपल ठीक है तो कपल की वजह से टॉर्क कैसे निकाला जाता है सो इट इज ओवर देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स स्केलर फॉर्म में मैं ले रहा हूँ ये सारी बातें मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स कोई एक सी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों फोर्सेज एक बराबर तो लग रही हैं ठीक है बल डायरेक्शन अलग है तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स इंटू प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द तो इन दो फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपने यूज करना है ठीक है तो इसलिए हमारे पास यहां पर फोर्स कितनी लग रही है दैट इट इज एफ जो किसके बराबर देखो ये थी ना फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई पैक्टर फॉर्म में था स्केलर में लिखोगे तो क्या हो जाएगी क्यू ई हो जाएगी ये स्केलर में लिखेंगे और क्या है ठीक है तो इसलिए मैंने लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स दैट इट इज एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच है अब ये दोनों फोर्सेज थोड़ी ना प्रपेंडिकुलर हैं ठीक है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें तो इसके लिए मैंने क्या किया ये यहाँ पर इस जगह से एक प्रपेंडिकुलर डाला ये प्रपेंडिकुलर है ठीक है ये सी के ऊपर मीट कर रहा है ठीक है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी मान लो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला तो ये एंगल डायपोल मोमेंट का क्या ले रहे हैं हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थिट्टा ले रहे हैं ना ठीक है तो इसलिए मेरे पास बी सी बी सी क्या बना इट इज़ दैट थपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो मेरे पास गिवन क्या है मेरे पास ये भी गीवन है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई जो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बना बी सी बना एफ इन बी सी ठीक है तो अगर मैं बी सी निकालू अपनी इस ट्राइंगल से ठीक है तो क्या होता है जो चीज गिवन हो उसको ऊपर लिखो और सॉरी जो निकालनी है उसको ऊपर लिखा और जो गिवन है तो ए बी गिवन है उसको डिवाइड में ले लो तो लुक ओवर देयर विच्रिक्नोमेट्रिक फंक्शन इज दिस ठीक है इस एंगल के सामने क्या बना था प्रपेंडिकुलर ये प्रोपेंडिकुलर था ये हाइपोटेनियस था तो इसलिए प्रोपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कौन सा फंक्शन बना साइंथिट्टा बना तो इसका मतलब बी सी क्या बना ए बी साइन थिट्टा तो ए बी चार्ज के बीच का गैप कितना था टू एल ठीक है डायपोल लेंथ तो टू एल थीटा आप लिखोगे इसको तो इसलिए क्या बन गया देट ऑफ एफ इंटू टू एल साइंथिटा ठीक है और एफ की वैल्यू आपने क्या ली थी क्यू ई इंटू टू एल साइन थेट्टा होगी ठीक है लेकिन हमने लिखा था कि Q इंटू टू एल को डायपोल मोमेंट कहते हैं चार्ज इंटू डाइपोल मोमेंट दैट ऑफ डायपोल लेंथ इट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट तो इसलिए ये Q ये टू एल ठीक है तो इनको हटा करके हमने क्या लिखा ना पी और ये क्या हो गया ई साइन सो इट इज दैट टॉर्क ये क्या बना हमारे पास टॉर्क टॉर्क को आप टो से लिखते हो ये टो हमारे पास पास है है ठीक तो ये टॉर्क हमारे पास स्केलर फॉर्म में बन गया ठीक है जिसमें पी का मतलब हो गया डायपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट ई का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जिसके अंदर उस डायपोल को रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और चिट्टा जो है ये एंगल है किसके बीच का एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल ठीक है तो ये क्या बन गया हमारे पास टॉर्क बन गया ठीक है तो इसलिए वहां पे टॉर्क हो रही है तो टॉर्क ओनली रोटेशन बनाता है ट्रांसलेशन नहीं करता तो ये चीज़ हमारे पास टॉर्क स्केलर फॉर्म में आया ठीक है अगर आपने वेक्टर में लिखना हो तो वेक्टर में लिखना बड़ा आसान है ठीक है देखो दोबारा से देखो यहाँ पे स्केलर फॉर्म के अंदर अगर आपने टॉर्क निकालना है तो आप यूज़ करोगे पी ई साइन थिट्टा ठीक है इन स्केलर और अगर आपने वेक्टर में निकालना हो ना वेक्टर में क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन होती है ठीक तो है तो इसलिए हमारे पास टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है ये जो साइन थीटा है ये क्या हो जाता है क्रॉस में बदल जाता है तो इसलिए ये क्रॉस में ठीक है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इफ़ यू विल रिकॉल डॉट और क्रॉस दो टाइप के प्रोडक्ट होते थे वैक्टर्स के लिए ठीक है तो जो वैक्टर्स होते थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता था और जो हमारे पास स्केलर में बनते थे उनका डॉट प्रोडक्ट लेते थे ठीक है तो इसलिए ये आप क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लिख सकते हो ठीक है अब स्टूडेंट हमारे पास इसकी बात करें डायरेक्शन ठीक है डायरेक्शन क्या होगी तो हमें इतना याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज़ क्लॉकवाइज जो हमारे पास रोटेशन uh, है ठीक है रोटेशन वो क्या होती है पॉजिटिव यानी कि उस वक्त टॉर्क क्या लिया जाएगा पॉजिटिव और जो क्लाकवाइज होती है वो क्या होगी इट इज़ नेगेटिव ठीक है इस तरह से लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में समझो जैसे ये मेरे पास एक डायपोल जो था जिसकी डायपोल मोमेंट पी थी इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी ठीक है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा अगर आप डायपोल को क्या करोगे यहाँ इससे P पी से ई की तरफ को घुमाओगे ये इस तरह से ठीक है ये रोटेट किया आपने इसको तो ये रोटेशन कैसे बनी क्लॉकवाइज ठीक है तो उस वक्त जो हमारे पास टॉर्क होगा वो क्या होगा नीचे की तरफ इन टू द प्लेन थर्ड जो डायरेक्शन है उसकी तरफ एक्ट करेगा ठीक है ये दोनों तो क्या हो रहे हैं जैसे ये देखो यहाँ पे ये ऐसे बात बन रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास डायपोल रखा गया ठीक है तो जैसे ही आप इस डायपोल को यहाँ पर P से E की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज में घुमाओगे ठीक है तो इसलिए जो टॉर्क होगा ना वो नीचे की तरफ इस तरह से प्रपेंडिकुलर टू पेपर जाएगा ठीक है तो नीचे की तरफ होगा तो ये टॉर्क जो है हमारे पास नेगेटिव होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई e. इस तरह से शो कर दी जाएगी ठीक है तो ये अलॉन्ग थर्ड एक्सेस होगा परपेंडिकुलर इन टू द प्लेन ऑफ पेपर ये प्लेन ऑफ द पेपर में होगा ठीक है लेट लेटेस्ट लुक ओवर हियर स्टूडेंट क्योंकि हमने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा ठीक है तो ये जो थिट्टा है ना इसकी वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी अलग अलग वैल्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ जैसे मान लो मेरे पास ठिट्टा जीरो डिग्री हो गया ठीक है तो टॉर्क क्या हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो तो इसलिए टॉर्क जीरो हो गया ठीक है आप डायग्राम कैसे बना सकते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ से है तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है जीरो तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज डायपोल मोमेंट इस तरह से तो एंगल क्या बना जीरो डिग्री बना ठीक है तो हमारे पास नेक्स्ट है जैसे दूसरा एंगल अगर मैं इसका लेता हूँ ठीक है तो थिट्टा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री भी तो हो सकती है ठीक है अगर नाइन्टी डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी तो हमारे पास नाइन्टी लिए साइन की वैल्यू वन हो जाती है तो ये पी तो ये क्या होगी मैक्सिमम टॉर्क ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई प्लस आ गया पीई -E, ठीक है इसका मतलब है आप क्या करोगे उस वक्त पीई -E, जब भी आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम टॉर्क निकालो तो पीई -E का फॉर्मूला आपने लगाना है ठीक है तो अगर इस सिचुएशन में आपने बताना है तो ये जैसे ये डायपोल मान लो ये ऐसे रखा ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है ये डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है तो एंगल कितना बन रहा है दोनों तो के बीच का 90 डिग्री बन रहा है तो उस वक्त क्या होगा मैक्सिमम रोटेशन लगेगी ठीक है नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर देर हमारे पास एंगल की वैल्यू जो है ना वो कितनी हो सकती है 180 भी तो हो सकती है ठीक है तो अगर 180 होगी तो हमारे पास किस तरह से टॉर्क बनेगा तो टॉर्क की वैल्यू 180 एट्टी साइन साइन की वैल्यू क्या होती है जीरो तो इसलिए ये जीरो बन जाएगा तो दोबारा से जीरो हो गया लेकिन uh, कैसे प्लेसड होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई लेकिन डायपोल आप ऐसे रख रहे हो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे ये इसकी डायपोल मोमेंट टूवर्ड लेफ्ट ठीक है और अब एक और एंगल हम ले लेते हैं ये एंगल जैसे मान लो आपने थर्टी डिग्री के ऊपर रख दिया ठीक है तो साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होगी वन बाई टू है ना साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाई टू इसका मतलब ये क्या हो गया पी ई बाई टू पी ई क्या था ये मैक्सिमम टॉर्क नहीं था मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाएगा जब आप एंकल कितना लोगे थर्टी डिग्री लोगे ठीक है सो दिस वी आर हैविंग फ्रॉम दैट टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ स्टूडेंट वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेंबर इफ टॉर्क इज प्लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट वन मोर थिंग इफ टॉर्क सॉरी इफ डायपोल इज प्लेसड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है सो वट विल हैपन सो दसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन ठीक है तो उस वक्त ये दोनों मोशन होंगे अदरवाइज जब यूनिफॉर्म बोला था ना तो यूनिफॉर्म के अंदर ओनली एक ही हो रहा था रोटेशनल ट्रांसलेशनल नहीं हो रहा था लीनियर फोर्स जीरो हो रही थी ठीक है और हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसमें क्या होगा रोटेशनल भी होगा ट्रांसलेशनल भी होगा मतलब कि वो आगे की तरफ भी चलेगा और साथ ही साथ अपने चारों तरफ भी घूमता रहेगा जैसे सपोज करो आपके हाथ में एक स्टिक है इस स्टिक को आप आगे की तरफ जब थ्रो करोगे ना ठीक है तो ये क्या करती है ऐसे घूमती हुई जाती है ठीक है तो इसलिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट है ठीक है सो दिस वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो सो कीप ऑन वॉचिंग शेयर एंड लाइक थैंक यू